हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, खुद से जुड़िए, गॉड से जुड़िए, यूनिवर्स से जुड़िए। डियर, बहुत जल्द आप लोग बैलेंस में आएंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। खुद पर फोकस पहले करें। तो डियर, ये जो वीडियो है, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या वो डीप कनेक्शन आपको लेकर फील कर रहे हैं, क्या वो लाइफ में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या फिर वो कोई एक्शन ले रहे हैं। तो डियर, ये वीडियो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स पर है, उनके थॉट्स पर है, उनके विचार पर है, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो वीडियो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पर है। डियर, ये वीडियो जो है कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो बहुत लोग देखते हैं, किसी को रिजेक्ट करता भी, किसी को नहीं भी करता, बट आप लोग पॉजिटिव रहें और ये देखें, ये एनर्जी आपसे या फिर आपके पर्सन से मैच होती है तो बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स गॉड को ग्रेटिट्यूड दें, अपने एंसिस्टर को ग्रेटिट्यूड दें, ठीक है, और पॉजिटिव रहें, ठीक है। ये मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑल साइन के लिए भी है। पर्सनल रीडिंग लेना हो डियर तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, ठीक है, और मेरे डायरेक्ट ईमेल आईडी से ही कांटेक्ट करें। और मेरे पर्सनल सेशन के चार्ज होते हैं, ठीक है डियर। हीलिंग करानी हो, डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, हीलिंग करानी हो, चक्रस बैलेंस कराना हो, एनर्जी चेक करानी हो, ट्विन जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, गाइडेंस लेनी हो, तो आप मुझसे सेशन ले सकते हो। तो चलिए डियर, यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करें, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो डियर, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है 2 से 3 एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोग कॉन्टेक्ट में है, कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, कुछ लोग बैलेंस कर रहे हैं, पॉजिटिव है, कुछ लोग के पर्सन आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे, तो आखिर क्यों, ठीक है। चलिए देखिए डियर, पहला ही एनर्जी आ रहा है कि आपके पर्सन दो रास्ते में जगल कर रहे हैं, ठीक है, दो राहों में अटके हुए हैं, जहां की सिचुएशन बहुत ही बुरी हो चुकी है, वो खुद स्टक हैं, सो नहीं पा रहे डियर, ठीक है। रात रात में जाकर उठना बैठना, क्या करूं कैसे करूं, बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। आपको लग रहा हो कि आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इग्नोर नहीं कर रहे हैं डियर, लेकिन ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर के लाइफ में दो च्वाइस है, जो कि दोनों को बैलेंस करने में ये लगे हुए हैं, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर, आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को लेकर ये काफी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रिश्ते को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ही स्टक दिख रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं डियर। आपको लग रहा हो कि आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, बट ये इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये अपने लाइफ में पूरी तरह उलझे हुए हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की मदद करना, जैसे फैमिली मेंबर, छोटे भाई बहन, पेरेंट्स, बच्चे, अगर आपके पर्सन मैरिड भी हैं तो हो सकता है कि चॉइस करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। यहाँ ये भी एनर्जी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, जबकि कुछ के पार्टनर अपने लाइफ में कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, वहां से निकलना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इस रिश्ते को बैलेंस करने में ये पूरा फोकस कर रहे हैं, इसलिए आपके पर्सन रात में सो नहीं पा रहे हैं। कुछ के पर्सन को हो सकता है हेडक हो, टेंशन हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपको, ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, उनका ट्रू फीलिंग्स यही है डियर, कि वो दिल से चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, आपसे मैरिज करें, आपसे न्यू बिगिनिंग करें। ये दिल से इनकी, मतलब एक विश भी है, तमन्ना भी है, खुशी भी है, पीस भी है, बस आपके साथ उन्हें जुड़ना है, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ के पर्सन बहुत जल्द आपके तरफ बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं डियर। यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आ रही है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा अभी परेशान है, क्योंकि अभी वो मैनेज कहीं से वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका बर्डन बन चुका है,
और इस रिश्ते को बैलेंस करने में ये पूरी तरह लगे हुए हैं। रात रात में जागना, उठकर बैठना, आप पर फोकस करना, आपके लिए क्या करना है नहीं करना है ये आपसे शेयर भी नहीं कर रहे हैं। ये खुद ही अंदर जल रहे हैं, एक जैसे आग जलता है इनका। कम से कम मुझे लग रहा है डियर, इनके अंदर से एक ऐसी जलन है जो ये तड़प रहे हैं, क्योंकि ना वो आपको दे पा रहे हैं और ना ही किसी और को दे पा रहे हैं। मतलब कि दो रास्ते में जो जगल कर रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में है। नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, कभी कभी आपके पर्सन को हेडक हो रहा है, टेंशन हो रहा है, थोड़ी मुझे हेल्थ इश्यू भी आपके पर्सन की दिख रही है, क्योंकि बहुत ही उदास दिख रहे हैं, क्योंकि वो दिल से आपके लिए प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है डियर, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है। और यहाँ पे मुझे कुछ के पर्सन डियर आपके तरफ जो ये हैं, ए मुझे जो साइन दिख रहे हैं डियर, यहाँ पे जो साइन मुझे दिख रहे हैं, एरिस लियो सेजिटेरियस। ठीक है, ये जो एनर्जी है आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट है। ठीक है, आपसे रोमांस चाहते हैं, आपको लेकर काफी सपने देखते हैं, रोमांटिक, बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेकर। ठीक है, यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है, जो कि मुझे लियो सेजिटेरियस एरिस मुझे दिख रहा है डियर। चाह कर भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये जानबूझकर खुद को रोक भी रहे हैं, लेकिन इन्हें खुद नहीं पता कि मैं क्यों रुक रहा हूँ, मैं क्यों रुक रही हूँ। मेल हो या फीमेल हो डियर, जैसे आपको लेना आप ले लो, है ना। वो चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही रोमांस दिख रहा है आपको लेकर। ठीक है, लेकिन खुद को रोक भी रहे हैं, रुका भी नहीं जा रहा, खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। एक फीलिंग्स हो रही है आपके लिए, ये जानबूझकर नहीं रोक रहे हैं, ये खुद सोच रहे हैं कि मैं खुद क्यों रोक रहा हूँ। ये चाहते हैं न्यू बिगिनिंग और आपकी तरफ बढ़ना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यहाँ फीलिंग्स है। ठीक है, यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है डियर। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन भी बता दिया डियर, सेजिटेरियस लियो एरिस कैप्रिकॉन। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे एनर्जी निकल कर आ रही है। तो डियर देखिए, किसी के पर्सन ये भी तो हो सकते हैं कि आपसे लव बहुत करते हैं, ट्रू फीलिंग्स है, लेकिन आप हो सकता है कि आप यहाँ पे थोड़ा नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे चीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी ये निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन आपको शो नहीं करते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, ये ट्रू फीलिंग्स कभी भी नहीं जताते हैं, ये सिर्फ अंदर ही अंदर अपने प्यार को, अपने अंदर ही प्यार को दबाते जरूर हैं, लेकिन यहाँ आपसे ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू लव है। ठीक है, उनको कोई जज नहीं कर सकता है। ठीक है, काम पर बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, इनकी अच्छी पर्सनालिटी, सोसाइटी में, समाज में अच्छी जॉब भी हो सकती है। तो डियर यहाँ पे खुद की पर्सनालिटी पे थोड़ा आपके पार्टनर का गुरूर भी है, घमंड भी है, अच्छे जॉब भी हो सकती है, यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल कर आ रही है, लेकिन आपको लगता है कि ये आपको इग्नोर हमेशा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यहाँ आपकी सोच थोड़ी सी निगेटिव है, क्योंकि इनके जो विचार हैं, इनके आव भाव हैं, जो खुलकर कभी भी आपको नहीं शो करते कि आई लव यू, आई मिस यू, कभी नहीं बोलते हैं डियर, ये आपको ना ही खुलकर इजहार करते हैं, लेकिन ये आपको अंदर से जताते हैं, अंदर ही अंदर बोलते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, सोच समझ कर ये डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो भी डिसीजन ये लेते हैं बहुत ही ट्रू और बहुत प्योर, बहुत ही पॉजिटिव सोचकर ये डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी है डियर आपके लिए, वो करेंगे और निभाएंगे भी। ठीक है, ये जो भी डिसीजन लेते हैं एकदम 100% प्योर लेते हैं, वो करेंगे तो करेंगे, भले ही टाइम लगे, थोड़ा वेटिंग एनर्जी हो, लेकिन ये करेंगे तो करेंगे। यहाँ मैं साइन बता देती हूँ डियर, कैंसर है, एरिस सेजिटेरियस कैप्रिकॉन लियो पाइसिस, एरिस स्कॉर्पियो कैंसर, ये साइन मुझे दिख रहे हैं। तो डियर यहाँ आपको शक करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जो भी थॉट्स है, विचार है, ट्रू फीलिंग्स है, प्योर है, पॉजिटिव है आपके पर्सन का। ठीक है, क्योंकि ये अपने काम पर ज्यादा फोकस रहते हैं, ये हो सकता है टीम में काम करते हो, ट्रैवल करते हो, ऐसी भी एनर्जी है, लेकिन ये काम पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इनका ये विचार जो है, ये करेंगे तो करेंगे, और ये रिश्ता या कोई चीज भी ये निभाएंगे 100%। ये यहाँ पे ट्रू लव है डियर, आपको निगेटिव नहीं सोचना है, ये कभी भी शो आपको नहीं करते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, ये रिश्ता निभाएंगे।
ये सही डिसीजन लेंगे लेकिन टाइम आने पर, लेकिन ये लेंगे डियर, ठीक है। ऐसी एनर्जी अभी आपके पर्सन की है, इसलिए आपको निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो डियर देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ही स्ट्रांग, ठीक है, प्योर और स्ट्रांग लव है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी खुशी हो, आप उनकी विश हो, आपके पर्सन भी हो सकता है बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं, वो भी मुझे लग रहा है शिव भक्त हो सकते हैं, किसी के पर्सन शिव भक्त हैं या स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि मैं यहां देख रही हूं कि बहुत ही ज्यादा गॉड से कनेक्टेड है आपके पर्सन, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। यहाँ पे आप मिरर कर रहे हो, आप भी यही कर रहे हो और आपके पर्सन भी यहाँ यही कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ मिरर कर रहे हो, दिल और दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं, 24 घंटे आप उनके दिल और दिमाग में हो। और जो भी एनर्जी है डियर, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ट्रू लव है, वो बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनके लाइफ में आ जाओ और आपसे वो, देखिए यहाँ हो सकता है हस्बैंड वाइफ भी हो, यहाँ ये भी एनर्जी है, ठीक है, यहाँ हस्बैंड वाइफ की भी एनर्जी लग रही है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप सिंगल भी हो सकते हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही कि आप दिल और दिमाग में एक दूसरे को एनी टाइम हो, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट जर्नी भी है, ट्विन जर्नी भी दिख रही है, तो यहाँ पे देखिए बहुत प्रेयर प्रार्थना है, बहुत ही प्रेयर आप लोग कर रहे हो, यहाँ पे यहाँ बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये बहुत अपने ऊपर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने शब्द पर, अपने वर्ड पर बहुत ये कंट्रोल कर रहे हैं, अपने ईगो पे काम करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप उनकी खुशी हो, आप उनकी विश हो, ये बहुत ज्यादा प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, टेम्पल भी जा रहे हैं। अगर जिस रिलीजन के हो आप लोग, कास्ट इश्यू कुछ भी हो डियर, ये नहीं मानते हैं और भले ही पेरेंट्स को लेकर सोचते हैं, लेकिन आपके लिए ये कोई भी कास्ट रिलीजन नहीं सोचते हैं, ठीक है। कोई भी इनको रोकने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, फिर भी ये आपके लिए प्योर है, ट्रू फीलिंग्स है, पॉजिटिव एनर्जी है, ट्रू लव, बहुत प्रेयर प्रार्थना, किसी तरह न्यू बिगिनिंग हो जाए, दिल से ये चाह रहे हैं। लेकिन डियर मैं यहाँ जो एनर्जी निकल कर आ रही है, कम से कम देखिए यहाँ सारे एनर्जी पॉजिटिव हैं, बस डियर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कुछ ब्लॉकेज, कुछ कर्मा है जो आप लोग को रोकती है, लेकिन डिवाइनिंग टाइम पर आपकी रीयूनियन हो रही है, कमिटमेंट मिल रहा है, लेकिन अभी की फीलिंग्स ये है कि बहुत प्रेयर प्रार्थना, वो खुद चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े, दिल से वो चाहते हैं कि रीयूनियन हो, कमिटमेंट करें और लाइफ टाइम तक आपके साथ वो पूरी लाइफ जिए। तो देखिए डियर जहां प्यार होता है थोड़ा सा अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो आपके तरफ अट्रैक्ट कैसे होंगे। पहली बात तो सबसे पहली बात आप लोग में इतना अट्रैक्शन है कि आपके पर्सन सोच के ही खुद को हिल कर लेते हैं, लेकिन ये बेचैनी बढ़ती जा रही है, लेकिन कॉल मैसेज दिख रहा है डियर, कुछ लोग से मुलाकात भी दिख रहा है, और मैं यही बोलूंगी बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार से, देखिए बहुत लोग की रीयूनियन हुई भी है, हाल में मैरिज भी हुई है, मैं हस्बैंड वाइफ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े लोग, हस्बैंड वाइफ में एकता भी हुई है, रीयूनियन भी हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कुछ लोग अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा बाबू आप लोग को बैलेंस भी करना होगा, क्योंकि थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी भी है, कॉल मैसेज आता है तो शब्द पर कंट्रोल करें, अपने शब्द पर हमेशा सोच समझ के इस्तेमाल करें, झगड़े लड़ाई ना करें, क्योंकि अभी की एनर्जी आजकल ऐसी ही आ रही है, ठीक है। कुछ के पर्सन जुदा होकर भी आपसे जुदा नहीं हुए हैं, रात भर सो नहीं पा रहे, देख रहे हैं उनकी भी हेडक टेंशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए डियर आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जहां भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो। ये आपके पर्सन प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दो चॉइस इनके लाइफ में है और आपके आपके लाइफ में फिर से वो आना चाहते हैं और रिश्ते पे बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो डियर देखिए ट्रू फीलिंग्स है, जो भी आपके पर्सन की बहुत ही ट्रू और पॉजिटिव फीलिंग्स है, तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, मैनिफेस्ट करना है, मेडिटेशन करना है, यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स और अर्थ मदर को ग्रेटिट्यूड देना है, खुद को हील करना है, अर्थ मदर को हील करना है, यूनिवर्स को अच्छी वाइब्रेशन देना है, तब आपके पर्सन 100% आपकी तरफ परमानेंट आएंगे, क्योंकि बहुत लोग की रीयूनियन हुई है, मैरिज भी हो चुकी है,
कुछ लोगों को रियूनियन होने वाली है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है, कुछ लोग के लिए बाबू यहाँ वेटिंग एनर्जी भी है। तो खुद पर फोकस करें, ऊपर वाला साथ है, कौन कौन किसके खिलाफ है उसका फर्क ना करें, इतना ना सोचें, बस देखें कि मेरे साथ ऊपर वाला है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या आपको बोल रहा है, कौन आपके खिलाफ है, बस बोलिए कि मेरा ऊपर वाला मेरे साथ है। सो चलिए डियर, वीडियो कैसी लगी, ठीक है, गाइडेंस को हमेशा फॉलो करें, ठीक है, एनर्जी के साथ साथ गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस बहुत ही जरूरी है। अगर आप गाइडेंस लेकर आगे बढ़ते हो तो बहुत जल्दी लाइफ में आगे भी बढ़ते हो डियर। मेरा वीडियो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है सोलमेट जर्नी ट्विन जर्नी को गाइड करना, ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ लंबी वीडियो को हमेशा देखें, क्योंकि गाइडेंस बहुत ही जरूरी है जो सोलमेट जर्नी में ट्विन जर्नी में है। प्रॉपर ढंग से उन्हें मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, तो बाबू इसे इग्नोर ना करें। बहुत लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं लेकिन बड़ी वीडियो नहीं देखते हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस इसमें होती उसको आप फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए डियर, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना हेल्थ का ध्यान दीजिए, खाना पीना अच्छे से खाइए, पूरी नींद लीजिए, और सुबह उठकर मेडिटेशन की, जब भी प्रॉब्लम टेंशन डिप्रेशन ऐसा लग रहा है हैवी एनर्जी, तो मेडिटेशन पर बैठ जाइए, यूनिवर्स को खुद को आप खुद को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। मेडिटेशन हमेशा करते रहिए, ओम चैंटिंग कीजिए, आप जो रिलीजन के हो, जो भी हो, आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ो, खुद को हील करो। तो चलिए डियर, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाए डियर। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।